दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वार्की टेक न्यूज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा Xiaomi Redmi Note 6 Pro के 3 बिग प्रॉब्लम्स। ऐसे कौन से मसले हैं इस फोन में जिसकी वजह से आपको फोन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करूं पहले इशू की, तो वह है इसकी नॉच। इसकी नॉच बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है। मतलब ऐसे वक्त में जहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही है ओप्पो वीवो की तरफ से, और आपको हवावे की तरफ से Honor 8X में इतनी प्यारी नॉच मिलती है, छोटी सी नॉच है, और आपको बहुत ज़्यादा जो है स्क्रीन स्पेस मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो नॉच दी गई है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, वाहियात नॉच है। मतलब दो कैमरे सामने दे दिए हैं 20+2 मेगापिक्सल। जो दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो किसी काम का नहीं है। मतलब आप पहले कैमरे से अच्छा प्रोटेक्ट ले सकते हो। आप गूगल पिक्सल में देख चुके हो ये कि आपको जो है अच्छा जो है पोर्ट्रेट मिल जाता है, तो आप ये फ़ोन क्यों लो। इसके मतलब दूसरा कैमरा लगाने की वजह समझ में नहीं आई, और अगर लगाते तो लगा दिया, लेकिन 2 मेगापिक्सल कैमरा लगाया डेप्थ सेंसिंग के लिए, और उसकी वजह से जो है इन्होंने नॉच बहुत बड़ी कर दी है। मतलब सबसे बड़ा इशू इस फ़ोन में ये है कि यहाँ पर आपको नॉच बहुत बड़ी मिलेगी, और आप जो है इसकी नॉच सही से यूज़ नहीं कर पाए। मतलब आप वीडियो वगैरह देखोगे तो नॉच ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। अब मैं बात करूँ अगर इसके दूसरे प्रॉब्लम की, तो वो है नो अपग्रेडेशन एट ऑल। मतलब अगर आपके पास Redmi Note 5 Pro है तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपग्रेड करने की, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न्यू मिले और जो आपकी पैसों को जो है वर्थ करे। मतलब आप Redmi Note 5 Pro अगर आपके पास है तो उसको आप कम पैसों में बेचकर जो है सेल आउट करके इस फ़ोन को लेना चाहोगे कि आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोसेसर सेम, बिल्ड क्वालिटी सेम, आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है सेम, आपको इसमें कैमरा बैक कैमरा सेम, मतलब बैटरी सेम, कुछ भी चेंज नहीं है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो है सिर्फ डिस्प्ले चेंज किया है, डिस्प्ले नया डाल दिया, एक कैमरा लगा दिया एक्स्ट्रा फ्रंट पे, और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो कि इसके नाम को जो है जस्टिफाई कर पाए। मतलब अगर ये Note 6 Pro है तो इसको Note 6 Pro जैसा ही होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा लगता है कि Redmi Note 5 Pro Plus है। मतलब उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके इन्होंने Note 6 Pro डाल दिया, तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटेड है। और अगर बात करूं तीसरे प्रॉब्लम की, तो वो है माइक्रो USB का पोर्ट। आपको टाइप सी नहीं मिलता है यहाँ पर, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो इस प्राइसिंग में, और ख़ासतौर पर Xiaomi से, क्योंकि Xiaomi के फ़ोन आप लेते ही इसलिए कि आपको जो है वैल्यू ऑफ मनी मिलती है, और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 14,000 का इंडिया में ये फ़ोन है, पाकिस्तान में ये फ़ोन है 30,000 का, और पाकिस्तान में जो है 3GB 32GB 30,000 का, और इंडिया में जो है 14,000 का 4GB के साथ है। और इस प्राइसिंग में ये आपको टाइप सी भी नहीं देते, और आपको जो प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 636, इसी प्राइसिंग में आपको स्नैपड्रैगन 660 मिलता है Realme 2 Pro में, तो ये फ़ोन क्यों लें। मतलब आप Xiaomi लेते ही इसलिए हो कि आपको जो है वैल्यू ऑफ मनी मिलती है। मतलब Xiaomi अब तक इसलिए चल रहा था, यही इनका काम था कि आप ये प्राइसिंग बहुत कमाल रखते थे, जो भी फ़ोन लॉन्च करते थे उसमें ऐसा लगता था कि वाकई यार इस प्राइसिंग में ऐसा फ़ोन नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो फ़ोन है वो आपको आराम से इससे ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन में दूसरे फ़ोन आराम से मिल जाएंगे मार्केट में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि Xiaomi Redmi Note 6 Pro बुरा है, लेकिन बिल्कुल सेम है। Note 5 Pro है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।